ब्रेक डांस में अच्छा लगता है, आपके फेवरेट वीडियो में नहीं। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड टक ऐप। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा, कांग्रेस और आप के साथ रेस में जनता दल भी पीछे नहीं है। जनता दल ने यहां की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर दिल्ली की जनता हमारी पार्टी पर भरोसा करती है तो जिस तरह जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास कार्य किए गए हैं, उसी तरह दिल्ली में भी विकास किए जाएंगे। एक जनसभा के दौरान पार्टी की ओर से चुनावी एजेंडे को लोगों के सामने रखा गया और कहा गया कि दिल्ली की सत्ता में आने पर बिहार की तरह यहां भी पूर्ण शराबबंदी लागू की जाएगी। सभा में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रामप्रीत मंडल ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो केवल वह खांसते थे, लेकिन आज प्रदूषण के कारण पूरी दिल्ली खांस रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी तक उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। सांसद रामप्रीत मंडल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग 500 रुपए का टिकट कटाकर दिल्ली आते हैं व 5 लाख का इलाज मुफ्त कराकर चले जाते हैं। सांसद ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं, जबकि दिल्ली में बिहार के लोगों के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।